हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरा पेस फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी। आज आपका 18वां दिन। आई होप आप लोग काफी अच्छे से काम कर रहे होगे, और मैं बार बार यही कहूंगा कि मैं जिस अकॉर्डिंग बोलूं आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। ऑफ सीजन ट्रेनिंग चल रही है हमारी, तो आज आफ्टर जो मैं बेसिक्स बताता हूँ उसके बाद आपको बॉल डालनी है, वो भी 3 से 4 घंटे का गैप करके, ठीक है? तो ये चीज ध्यान से रखो और काम बढ़िया से करो, डेडिकेशन लेवल के साथ। हार मत मानो 16-17 दिन में बहुत सारे बच्चे डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट और क्या बोलते हैं, टायर्ड हो गए होंगे। तो ना टायर्ड हो ना हो, इंजॉय करो इसको, मोमेंट को। ना आपको पास दोबारा आएगा, ना मैं करा पाऊंगा, इतना मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, ठीक है? तो आपको करना है, अच्छे से करना है। और चलिए आज का 18वां दिन आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा सुपरस्टार है हिमांशु, ठीक है? हिमांशु करके दिखाएगा आपको सबको। चल हिमांशु, नीलिंग करके दिखा पहला ड्रिल। चलिए, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखें कि ये लेफ्ट पैर नीचे रहेगा राइटी के लिए, और लेफ्टी के लिए राइट पैर नीचे रहेगा, ठीक है? और अच्छे से करना, जितना हो सके बॉल अलग तरीके से रखना, जैसे वेटेड रख लेना, चाहे लाइट वेटेड रख लेना, और लेदर वाली बॉल रख लेना, नॉन बॉलिंग आर्म हेड, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है? और ये करो, आपको आपको करने 300, बाकी नेक्स्ट, ठीक है? तो अभी रन अप कर रहे हैं, तो ये जैसे अडल है, ठीक है, ये उधर से रन अप करके आएगा। चलो, जैसे अडल ले लिया, और अडल पे आपको जंप करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? पूरे रन अप के साथ जो भी आपका फोर्स है, जो भी रन अप है। और मैंने पहले बताया है कि जो बच्चे अपना रन अप का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वो 10 कदम एक्स्ट्रा कर लेंगे जो भी रन अप है, और जो बच्चे हड़बड़ा के भागते हैं, जिनके पैर गड़बड़ होते हैं, वो ना अपने नॉर्मल स्ट्राइड पे रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से करना, जंप लेना है, बॉल नहीं डालनी है, बाकी आपको शॉट करना है। चलिए, ये तो स्लैम बॉल लेके आया है वहाँ से आपके लिए, और ये स्लैम बॉल है जैसे भी 5-6 kg के करना है। अभी आइसोमेट्रिक होल्ड करेंगे, ब्रेस वाला करके दिखा बेटा। इस तरीके से रख लो पोजीशन में, और बॉल इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से एंगल बनेगा, बैक फुट आपका फ्रंट ऑन होगा, चाहे साइड ऑन, चाहे सेमी, कैसे भी हो, इस तरीके से फ्लो में करना है आपको। और आइसोमेट्रिक जितना हो सके पैरों पे वेट दो इस वाले पे, ठीक है, जितना हो सके। और ये आइसोमेट्रिक आपको करना है 2-2 मिनट के 10। अभी क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं ब्रेस की, ठीक है? इसमें क्या करना है कि आपने मेडिसिन बॉल ले लिया, साथ में आपको हिट करना है, नी ड्राइव करना, हिप ड्राइव होगा, नी ड्राइव होगा, करके दिखाओ, किक, गुड, इस तरीके से किक करना, जितना किक कर सकते हो फोर्सफुली उतना आपको किक करना है, बढ़िया तरीके से आप अच्छे से करिए। और जैसा बताया जाए प्रॉपर वे में ऐसे ही करना बच्चों, थोड़ा सा भी अलग करने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो ये आपको करना 30-30 के 4 कर लो, ठीक है? अब सेकंड क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं साइड ऑन वाले साइड ऑन, सेमी वाले सेमी, और फ्रंट ऑन वाले फ्रंट ऑन पोजीशन में रखेंगे, और फ्रंट फुट उठा के रखेंगे, और बॉल ऊपर रखेंगे, इस तरीके से बाउंस करना है। स्टेबिलिटी पर स्ट्रेंथ आपके टेंडेंस में आएगा और एंकल में आएगा, इसी पोजीशन में आपको करना है, ठीक है? और ये टाइम के साथ करेंगे, टाइम का मतलब है कि इसे आप टाइम लगा लेना, स्टॉपवॉच 1-1 मिनट के आप 10 करना है इसे, ठीक है? और इसी पोजीशन में करना है, कंट्रोल के साथ करना है, ठीक है? अभी क्या है, नेक्स्ट क्या करेंगे, चेस्ट पास करेंगे। चेस्ट पास की पोजीशन आपको पता है कैसे करना है, इसी तरीके से खड़ा होना है और बॉल हिट करना है, और चेस्ट से नीचे होना चाहिए। चलिए, गो, गुड वन, इस तरीके से। फिर अगर पार्टनर है तो पार्टनर के साथ, अदरवाइज अगर नहीं है पार्टनर तो आप खुद बॉल के पास जाएं और उधर से ये करेंगे। ये भी 40 के आपको 4 करना है, परफेक्ट पोजिशन में, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारा थोड़ा स्मार्ट लोंडा, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ इसके साथ। चल, एक्सीलेंट, ठीक है? हाँ, बैक थ्रो करते हैं। बैक थ्रो के बाद ये सारे आपका आज ख़त्म हो जाएगा। नीलिंग आपको पता है, रन अप आपको बता ही दिया, और बैक थ्रो करना है, बैक थ्रो करना है इस तरीके से, इस पोजीशन में, ये गुड वन, ये एक्सीलेंट, इस तरीके से बैक थ्रो करना है। और बैक थ्रो पे पार्टनर के साथ कर सकते हो, अगर पार्टनर नहीं है तो आप सिंगल करिए, और अच्छे से करना है ये चीज़। और ये भी बिगनर्स के हिसाब से है, तो बिगिनर्स वाले जितने भी हैं प्रॉपरली करो, जब आप ट्रेन हो जाओगे थोड़ा तो और एडवांस फॉर्म में मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है, बाकी ये भी 30 के 4 करिए, और बाकी ठीक है। तो आज का दिन, ठीक है भाई, थैंक यू हिमांशु। तो आज का दिन का यही था आपका, और इसके बाद 3 से 4 घंटे का आपको रेस्ट लेना है, दिन बॉल डालनी है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करिए, अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो ना करिए, वो आपकी मर्जी है। हमारा जो फ़र्ज है, हम तो अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे, जो एक मिशन छेड़ा हुआ है वो तो कंप्लीट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, देखो आप कैसे कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी है कि आप साथ दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बस यही है। अपना जो फ़र्ज अपना निभाऊंगा, मैं गुरु बनाऊँ आपका तो गुरु वाला फ़र्ज निभाऊँगा, आप स्टूडेंट बन सकते हैं तो बनिए,
बाकी आपकी मर्जी है, बस यही कहूँगा कि मैं दोबारा ऐसा करा नहीं पाऊँगा ना आप कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत, थैंक यू लव यू।